जिसको नहीं पता, ये वाली प्लेट्स को पत्तल बोलते हैं और ये बेसिकली पत्तियों से बनाए जाते हैं। और पहले ऐसे ही पत्तल चला करते थे, बट उसमें पार्टीशन भी रहता था, तीन पार्टीशन रहते थे। तो भाई रात के 2:30 बजने वाले हैं और आप लोगों को पता ही होगा जब भी मैं नोएडा में होता हूँ तो ज़्यादातर मेरा रात को ही काम होता है, और ऐसे में मिडनाइट क्रेविंग होना भाई बहुत ही ज़्यादा आम बात है, जो कि कभी कभार मैं फिर अपनी सेटिस्फाई भी करता हूँ। और इधर मेरे सामने हैं वो रेस्टोरेंट्स जिनमें से किसी एक से मैं ऑर्डर करता हूँ जब भी मुझे ऐसी मिडनाइट क्रेविंग होती है। मतलब आप बोल सकते हो कि चारों ही रेस्टोरेंट मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में आते हैं नोएडा गाजियाबाद में। तो सबसे पहले है मेरे पास थलाई राज बिरयानी से इनकी चिकन दम बिरयानी 650 ग्राम्स, जो कि मुझे पड़ी है 271 रुपीज की। इसके बाद है मेरे पास आर्ट ऑफ डिलीशियस रोल से इनका चिकन शवरमा रोल, एक गार्लिक चिकन रोल जिसमें मैंने एड ऑन कराए हैं डबल एग्स, और साथ ही साथ इनके बटर चिकन मोमोज, जिसके साथ मैंने रख रखी है सैमयांग जजांग खुद बना के, ऐसा कुछ है इसका पैकेट। और सैमयांग की जितने भी नूडल्स आते हैं उनमें से मेरा फेवरेट है ये जजांग फ्लेवर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वटा बर्गर से है मेरे पास इनका चिकन वॉबर, जिसमें मैंने एड ऑन करवाया है इनका मेक इट अ चीज पॉम। और इस थलाई राज बिरयानी के साथ मिलती हैं दो चीज़ें, एक तो है इनका रायता और एक आता है इनका क्या बोलते हैं कुछ ग्रेवी टाइप। ये दोनों चीज़ें प्लस इतनी मैसिव क्वांटिटी में ये बिरयानी दो पीस के साथ आती है, और ये सिर्फ और सिर्फ 270 रुपये की पड़ती है भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। बट एनीवे फटाफट से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट अपनी परंपरा के साथ। और यार अगर पंखे की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऑल दो आज ही बारिश हुई है, बट इसका कलर देखो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। सैमयांग जजांग से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। लेट्स डाइव इनटू दिस। बेहतरीन टेस्टी। जब भी मुझे रात को भूख लगती है अगर मेरे पास जजांग पड़ी है तो ये खा लेता हूँ, या फिर इनमें से कुछ भी ऑर्डर कर लेता हूँ। भाई साहब बेहतरीन, बहुत ही सही स्पाइसी होता है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। ये सब चीज़ें कभी भी मैं एक साथ ऑर्डर नहीं करता हूँ, आज पहली बार करी है, और ये ना अभी मुझे ऐसा सपने जैसा लग रहा है कि अभी जो मेरा खाने का मैक्सिमम मन करता है ना वो सभी चीज़ें हैं। चिकन शवरमा रोल ट्राई करते हैं इनका। ऐसा खाना अगर इस टाइम पे देहरादून में मिलता होगा ना, बहुत तगड़ा चलता। रीजन बीइंग कि देहरादून ना ठंडी जगह है, और ठंडी जगहों में ऐसा शवरमा वगैरह बिरयानी काठी रोल ये खाने का एक अलग ही स्वाद आता है। यहाँ की गर्मी में ना वो क्योंकि फैन ऑन है, जबकि बट फिर भी स्ट्रगल होता है, बट हाँ इसी में बैठ के तो बढ़िया एंजॉय कर सकते हो आप। बटर चिकन मोमो आर्ट ऑफ डिलीशियस रोल से ही। एज अ बटर चिकन मोमो क्या ये उस चीज को जस्टिफाई करना है? देखो बटर चिकन के नाम को ये इतना अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एज अ मोमो ये भाई बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो रहा है। और व्लॉग में जो बात हुई थी शाउट आउट देने की मकबैंग में, वो मैं नेक्स्ट मकबैंग में दूंगा शाउट आउट। 2-3 दिन उस वीडियो को देने देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो
बाद में देखते हैं, कुछ बिजी होते हैं तो 2-3 दिन देते हैं, और अपने नेक्स्ट मकबैंग में उसके शाउट आउट देंगे। हरी मिर्चें, हो सकता है थोड़ी बाहर की आवाज़ आए क्योंकि मैंने खिड़की खोल दी है। अंदर ही अंदर ना एक तो लाइट की गर्मी, ऊपर से खाने की गर्मी। थलाई राज की बिरयानी मुझे रिसेंटली चिया ने टेस्ट करवाई है, शायद से नया खुला है अभी इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। लेट्स सी कैसी हो रही है आज। नेवर डिसअपॉइंट्स। और हाँ, इसमें ये लोग डालते हैं 21 अलग अलग तरह के स्पाइसेस। खिड़की खोलने से आप फर्क देख रहे हो, अब नहीं आ रहा है पसीना लेकिन आवाज बहुत आ रही है। किसी खोल के रखते हैं। मैंने अपना प्रीवियस मकबैंग भी रिकॉर्ड किया था जो मैंने गलती से पूरा का पूरा कार्ड ही फॉर्मेट कर दिया। उस दिन का स्ट्रगल तो नेक्स्ट लेवल था, और जब इतने स्ट्रगल के बाद मकबैंग रिकॉर्ड करो उसके बाद वो अपनी गलती से डिलीट हो जाए। बहुत बुरा लगता है। इसके साथ ना यही होता है, रुकने का मन नहीं करता। बिरयानी ग्रेवी, ये सलन नहीं है, ये ग्रेवी है, प्रॉपर ग्रेवी। बाय द वे, कल मैं निकल रहा हूँ देहरादून। फ्राइडे मॉर्निंग का व्लॉग मैं एडिट कर चुका हूँ। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मैं यहाँ शूट के लिए आ रहा हूँ तो शूट पे रात को लेट हो गया था। अगली सुबह मेरा अलार्म नहीं बजाया, मैं उठ नहीं पाया, पता नहीं क्या ही हुआ। सुबह मेरी नींद खुली 9 बजे, और ऐसी हड़बड़ाहट में उठाऊँ ना मैं उस दिन सुबह जिसका हिसाब नहीं है। तो उस दिन बहुत ज़्यादा लेट गया था व्लॉग, जिसकी वजह से क्या होता है, मेरे को डर लगता है कि यार दोबारा से अगर ऐसी हुआ, अलार्म नहीं बजाया, मैं नहीं उठ पाया तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं अब रात को ही अपना एडिट करके सोता हूँ, और इसी वजह से ये मिडनाइट क्रेविंग्स भी होती हैं, और इसी वजह से ये आइडिया भी आया। भाई साहब बेहतरीन। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं ना नोएडा में, नोएडा, दिल्ली, इवन मुंबई, उनके लिए बहुत सही है यार। मतलब एक तरह से बताऊँ तो ये मेरे लिए तो बेस्ट चीट मील है कि मेरे को मिडनाइट काम करते हुए कुछ खाने को मिल जाए। रोज नहीं भी सही, बट हफ्ते में एक दिन अगर मैं रात को 3 बजे अपने लिए कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ ऐसा कुछ, तो भाई बेहतरीन चीज है। जितने भी रात वाले इंसान हैं जिनको रातों को जगना पसंद है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। जजैन को ना ज़्यादा देर तक रखना मत, जम जाती हूँ।
ये पत्तल देख के कुछ याद आ रहा है 90s के बच्चों को। ये पत्तल मुझे ब्लिंकिट में दिखे भाई, तुरंत ऑर्डर कर लिए। इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक था जिसका हिसाब नहीं है। जिसको नहीं पता, ये वाली प्लेट्स को पत्तल बोलते हैं और ये बेसिकली पत्तियों से बनाए जाते हैं। और पहले ऐसे ही पत्तल चला करते थे, बट उसमें पार्टीशन भी रहता था, तीन पार्टीशन रहते थे। पेट भरसा गया है। तारीफ के लिए शब्द नहीं है। थोड़ा सा बचा, एक और वाइट खाया तो उसका टेस्ट कहीं खोस आ जाएगा। एग्जैक्टली 3 बज चुका है भाई रात के, और इस टाइम पे इतना हैवी। मैंने 2 साल पहले एक वीडियो किया था डोमिनोज का 3 AM क्रेविंग करके, बस लास्ट टाइम उसी में खाया था इतनी रात को इतना हैवी कुछ, और आज खाया है भाई। लेकिन जो भी कहो मज़ा आ गया, हैवी भले ही कितना क्यों ना हो गया हो बट मज़ा आ गया। दिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, पूरे दिन भर कुछ ऐसी चीज़ें करी जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम करी हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई की हैं, फर्स्ट टाइम खरीदी हैं। तो आज का दिन ओवरऑल भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, प्लस उस दिन को जब ऐसी एंडिंग मिल गई, ओहो हो मज़ा आ चुका है। अभी ऐसा हो रहा है कि ट्राई करूँगा तो पिछले जितने भी टेस्ट है ना सब गायब हो जाएंगे, और इसका भी कुछ ऐसा टेस्ट नहीं आने वाला। खा लें क्या? लेट्स सी हाउ इट इज़। डबल लेयर चिकन पैटी, अभी ये खाया, यहाँ पहुँचा भी नहीं। मेरे टेस्ट बर्ड्स अभी थोड़े से ऐसे हिल रखे हैं, जब आपका पेट भर जाता है तो उसके बाद आपको खाली सॉल्ट वगैरह का टेस्ट आता है, तो अभी मेरे टेस्ट बर्ड्स इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको नहीं खाते, इसको रहने देते हैं, कल परसों खाएंगे। बाकी इस बिरयानी को तो कल मैं देहरादून ले जाने वाला हूँ घर वालों के लिए। अम्बरसर की दाल भी मंगा रखी है, तो कल के व्लॉग में उनका रिएक्शन ज़रूर देखना कि उन्हें कैसी लगती है बिरयानी। तो भाई ये थी मेरे ख्याल से परफेक्ट एंडिंग एक परफेक्ट दिन की। आई जस्ट होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस, मिलते हैं कल देहरादून में।